आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी की खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। यूपी का चुनाव कई मायनों में अहम माना जाता है। यूपी में चुनाव के कई बार इतिहास भी रचा है और ऐसा ही एक रिकॉर्ड है एज फैक्टर का। यूपी की सियासत में एज फैक्टर काफी रोमांचक रहा है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। एज फैक्टर का बड़ा दाव, युवा चेहरों ने संभाली कमान, युवाओं को सौंपी गई खास जिम्मेदारी। क्या है एज फैक्टर की रणनीति? यूपी के चुनावों में एज फैक्टर काफी अहम माना जाता है। चुनावों में खड़े नेताजी की काबिलियत जितनी अहम है, उतनी उनकी उम्र भी अहम भूमिका निभाती है। और इसके पीछे का मकसद है चुनावों में युवाओं को अपने पाले में करना। माना जाता है कि अगर चुनाव में नेतृत्व किसी युवा नेता के हाथों में दिया जाए तो युवा उस पार्टी को समर्थन देते हैं। और यही वजह है कि हर बार चुनावों में एज फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अब 2022 का यूपी का सियासी संग्राम इस मायने में भी सबसे खास है कि ताज के दावेदारों से लेकर रणभूमि में उतरने वालों और रणनीतिकारों तक सब युवा हैं। बात अगर सूबे के मुखिया की करें तो भाजपा ने एक युवा चेहरे पर ही भरोसा जताते हुए योगी आदित्यनाथ को सीएम पद का दावेदार बनाया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जब प्रदेश के मुखिया बने तो उनकी आयु 44 साल थी। अब वो करीब 39 के हो चले हैं और भाजपा उन्हीं के काम और नाम पर ये चुनाव लड़ रही है। दूसरा नाम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है, जिनके नाम प्रदेश का अब तक का सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड दर्ज है। अखिलेश ने 2012 में 38 की उम्र में यूपी की कमान संभाली थी। अब वो करीब 48 के हैं। जहां तक बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो पिछले महीने ही 15 तारीख को वो 66 की हो चुकी हैं। मगर 1995 में जब पहली बार वो सीएम बनी तो उनकी आयु मात्र 39 की थी। वहीं इस चुनाव में भी दल कोई भी हो मगर चुनावी कमान युवाओं के ही हाथ में दिख रही है। भाजपा ने रणनीति के मोर्चे पर यूपी चुनाव में प्रभारी और सह प्रभारी का जिम्मा मोदी मंत्रिमंडल के दो युवा चेहरे धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को सौंपा है। सपा में अखिलेश के साथ डिंपल भी प्रचार और रणनीति के मोर्चे पर उनकी प्रमुख सहयोगी हैं। तो वही कांग्रेस इस चुनावी लड़ाई को अपनी युवा महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे को आगे करके लड़ रही है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह की विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी युवा है और इन दिनों उनकी और अखिलेश यादव की जोड़ी खासी चर्चा में है। इस फहरिस्त में एक और अहम नाम केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल का भी है। अनुप्रिया पटेल अपने पिता और पूर्वांचल में ओबीसी चेहरे के रूप में अहम पहचान रखने वाले सोनेलाल पटेल की अपना दल की कमान संभाल रही हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी की घोषित मुखिया भले ही कृष्णा पटेल हों, लेकिन उसका तमाम कामकाज उनकी बेटी पल्लवी पटेल ही संभाल रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यूपी के मोर्चे पर सांसद संजय सिंह डटे हुए हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष भले ही डॉक्टर संजय निषाद हैं, मगर उनके बेटे भी मोर्चा संभाल चुके हैं। एक बेटा सांसद है तो दूसरे को उन्होंने चौरी चौरा सीट से अब मैदान में उतार दिया है। बहरहाल इस चुनाव के बाद यूपी विधानसभा में युवा चेहरे ही ज्यादा दिखेंगे। इस बार भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी दलों ने अधिकांश युवा चेहरों पर दांव लगाए हैं। उम्रदराज लोगों को बहुत ही कम टिकट दिए गए हैं। भाजपा ने तो 75 पार वाले अपने मंत्रियों तक को टिकट ही नहीं दिया। ऐसे में यूपी के भविष्य की कमान संभाले हुए युवा चेहरा किस कदर नई इबारत लिखते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।
कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।